चीकू का पौधा हर घर में लगाया जा सकता है। मैंने ये पौधा 2 साल पहले लगाया था। अब देखिए इस पौधे की कितनी अच्छी ग्रोथ हो गई है। ये एक बड़े पौधे का रूप ले चुका है। अब इसकी हर ब्रांच में फ्लावरिंग भी स्टार्ट हो गई है। अब इस समय यदि हम इन पौधों की अच्छी देखभाल करेंगे तो ही ये फूल फल में कन्वर्ट होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि यदि आपने अपने घर पर चीकू का पौधा लगा रखा है और उनमें फूल लगते हैं और वो झड़ जाते हैं, फल में कन्वर्ट नहीं होते हैं, तो हमें इन पौधों में कौन सी खाद डालनी है, हमें इन पौधों की कैसे देखभाल करनी है कि इनकी अच्छी ग्रोथ होती रहे और जो भी फूल खिलते हैं वे सभी फूल फल में कन्वर्ट हों। फलों वाले पौधे जो हम अपने गार्डन में लगाते हैं उनको अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। इसके लिए हमें साल में 2 बार इन पौधों में खाद डालनी पड़ेगी। खाद के अलावा इन पौधों की लोकेशन का भी हमें विशेष ध्यान रखना पड़ता है। कोई भी फलों वाला पौधा हो उसको अधिक से अधिक सनलाइट वाली लोकेशन में लगाना भी ज़रूरी होता है। इस बात का भी हमें ध्यान रखना है कि इनके पत्तों पर कभी इंसेक्ट या फंगस का अटैक ना हो। इसके लिए भी हमें इनके ऊपर नीम ऑयल या किसी अच्छे फंजीसाइड या इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि चीकू के पौधे की हमें कैसे देखभाल करनी है। सबसे पहला काम यह है कि जब इनके फूल खिलते हैं तो इनके फूलों के ऊपर मक्खी नहीं बैठनी चाहिए। इनके फूलों पर जब मक्खी बैठ जाती है तो इनके फूल झड़ जाते हैं। जब इनके फूल नहीं झड़ेंगे और इनके फूल एक बार जब फल में कन्वर्ट हो जाएंगे तो इनका कोई भी फल नहीं झड़ता है। मक्खी के अलावा फूल झड़ने के और भी कारण होते हैं। जब इन पौधों में पोषक तत्वों की कमी रहती है तो भी इनके फूल झड़ जाते हैं। इसके लिए हमें क्या करना है, इसके पौधे में साल में 2 बार हमें ऐसी खाद डालनी है जो केवल प्योर ऑर्गेनिक हो। ऑर्गेनिक खाद यदि आप फलों वाले पौधों में डालोगे तो इनके कोई भी फूल या फल नहीं झड़ेंगे। चीकू के पौधों के लिए सबसे बेस्ट खाद है वर्मी कंपोस्ट या किचन वेस्ट कंपोस्ट। आप जितनी पुरानी खाद इन पौधों में डालोगे उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जब इनके फूल खिलते हैं उससे 2 महीने पहले आप इनकी मिट्टी में ये खाद डाल दें। इन पौधों में खाद डालते हैं तो खाद को कम से कम 4 से 5 इंच नीचे मिट्टी में दबा देना है। इसके लिए यदि आप इसकी मेन स्टेम के चारों तरफ 1 फीट का सर्कल बना के डालते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट हमें मिल जाता है। इनकी मेन स्टेम के चारों तरफ एक सर्कल में रूट्स की ग्रोथ होती रहती है। आप ऐसी जगह ही इनमें खाद डालें और खाद को मिट्टी में ज़रूर दबा दें। ये देखिए दोस्तों, इसकी हर ब्रांच में फ्लावरिंग हो रही है और एक साथ 4-5 फूल खिलते हैं और ये सभी फूल फल में कन्वर्ट हो जाते हैं। यदि इस पौधे में पोषक तत्वों की कमी रहेगी तो ये फूल झड़ जाएंगे। हमें इन पौधों की अच्छी देखभाल करनी है। मैंने इस पौधे में एक बार मार्च के महीने में वर्मी कंपोस्ट डाल दी है और आप देख सकते हैं ये पौधा बहुत ही हेल्दी ग्रोथ कर रहा है और इसके पत्तों की चमक देख सकते हैं। डार्क ग्रीन कलर के पत्ते हैं और इसके कोई भी फूल नहीं झड़ रहे हैं। बरसात के मौसम में इस पौधे की अच्छी ग्रोथ हो जाती है। आप देखिए ये पौधा कितनी अच्छी ग्रोथ कर रहा है। इन पौधों में खाद डालते हैं तो ऑर्गेनिक कंपोस्ट में किचन वेस्ट कंपोस्ट, काउडंग कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप इन पौधों में चाय पत्ती की खाद डाल दोगे तो और भी अच्छा रिजल्ट मिलेगा। इनको ऐसी जगह लगा देना है जहाँ कम से कम 4-5 घंटे की सनलाइट इनको मिलती रहे। यदि आप मेरी बताई गई इन सब बातों को ध्यान में रखोगे तो आपके चीकू के पौधों की बहुत ही अच्छी ग्रोथ होगी और इनके कोई भी फल या फूल नहीं झड़ेंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।